घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज लगातार खेती में हो रहे नुकसान से किसान बहुत परेशान है, क्योंकि कभी मौसम की मार तो कभी फसल का सही भाव ना मिलने से आज खेती नुकसान का सौदा बनती जा रही है। लेकिन अगर आप खेती को वैज्ञानिक तरीके से करते हैं और उसमें साथ साथ आप नए तरीके के अपना कर भी खेती को एक बिजनेस के रूप में बदल सकते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी खेती, चंदन की खेती के बारे में बात कर रहे हैं। इस खेती में 1 लाख खर्च करने पर आप 15 साल में 1 करोड़ तक का रिटर्न मिलता है, जो कि किसी भी सरकारी स्कीम से ज़्यादा रिटर्न है। चंदन की लकड़ी और इससे बनने वाला तेल दोनों ही बहुत महंगे बेचे जाते हैं दोस्तों। तो आज हम चंदन की खेती से जुड़ी सभी तरह की जानकारी आपको देने वाले हैं, जिनमें हम आपको पहले इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे इसके बारे में बता देते हैं। हम आपको बताएंगे चंदन का उपयोग कहाँ होता है, चंदन की खेती करने के लिए अनुकूल समय क्या है, चंदन की खेती के लिए मृदा और जलवायु के क्या महत्व है, चंदन की खेती आप कैसे करें, चंदन की खेती में सिंचाई का क्या महत्व है, चंदन की खेती की कटाई कब होती है, चंदन की खेती में पैदावार कितनी होती है, चंदन की खेती में लागत कितनी आएगी और चंदन की खेती में कमाई कितनी होगी, और साथ में एक बार आपके जब चंदन लगे आएंगे उसका तेल निकालने के लिए आप उसे कहाँ पर बेचें। तो वीडियो में चंदन की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी दी जा रही है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक बिना स्किप करके देखें और आप भी इस खेती को करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं चंदन की खेती का बिजनेस क्या है। भारत में चंदन का पौधा धार्मिक एवं औषधीय महत्व का है। चंदन की खेती आपको करोड़पति बना सकती है और चंदन की खेती 15 से 20 साल में तैयार होती है दोस्तों। इसकी लकड़ी 6,000 से 10,000 रुपये प्रति केजी में बिकती है और इसका अगर शुद्ध ऑयल की बात करें तो 1 से 2 लाख प्रति लीटर में बेचा जाता है। विदेशों में इसकी लकड़ी की कीमत 20,000 रुपये प्रति केजी से ज़्यादा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चंदन की खेती से आप कितना कमा सकते हैं। सही मार्केटिंग से आप इसमें मोटी रकम कमा सकते हैं। अब बात कर लेते चंदन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि चंदन के ऑयल से सिर के मालिश करने से बाल आ जाते हैं, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, मरीज के लिए चंदन का उपयोग किया जाता है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, साबुन है, परफ्यूम है आदि को बनाने में भी चंदन का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से चंदन का उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पूरे भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में किया जाता है, तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अब बात कर लेते हैं अनुकूल समय क्या है। वैसे तो आप किसी भी मौसम में इसकी फसल को उगा सकते हैं, लेकिन अप्रैल से मई का महीना अच्छा माना जाता है, तो उस समय आप अगर इसकी खेती स्टार्ट करते हैं तो ये अच्छा रहता है। चंदन की खेती के लिए मृदा और जलवायु का क्या महत्व है। तो चंदन की खेती के लिए काली लाल दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। 5 डिग्री से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर अनुकूल माना जाता है और अगर आप मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो पीएच 7 से 8.5 pH इसके लिए अनुकूल माना जाता है, और आप आपके नज़दीकी कृषि विभाग है वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं चंदन की खेती कैसे करें। तो इसकी खेती बीज द्वारा या फिर नर्सरी लगाकर इसकी खेती आप कर सकते हैं। सबसे पहले खेत को 2 से 3 बार अच्छे से जोत लें, जिससे कि मिट्टी की पैदावार करने की शक्ति बढ़ जाए। आप 2 × 2 × 2 मतलब 2 हाइट लेंथ और ब्रेथ का आप गड्ढा खोद लें और उसके बाद उसमें देसी खाद डालकर कुछ दूरी बनाकर चंदन की नर्सरी से जो निकली पौध की रोपाई कर दें। लाइन से लाइन, जो एक लाइन से आप चंदन बो रहे हैं उससे दूसरी लाइन में जो चंदन के पौधे लगा रहे हैं उनकी बीच की दूरी 10 फीट होनी चाहिए और एक चंदन पेड़ से दूसरे चंदन की दूरी 10 फीट होना चाहिए। तो दूरी कितनी रहनी चाहिए इसकी जानकारी आप आपके नज़दीकी कृषि विभाग से भी ले सकते हैं। और सब में बात यह है कि इस खेती में आप 1 एकड़ में लगभग 400 पेड़ आसानी के साथ लगा सकते हैं। बात कर लेते चंदन की खेती में सिंचाई का कितना महत्व है। तो चंदन खेती के लिए ड्रिप मेथड से पानी देने में सबसे अच्छा लाभ होता है। तो ड्रिप मेथड अपनाएं आप, बारिश के मौसम में पानी देने की ज़रूरत होती नहीं है और गर्मी के दिनों में पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते चंदन की खेती की कटाई कब होती है। तो चंदन से 2 तरीके से लकड़ी प्राप्त होती है दोस्तों। 1 4 से 5 साल में रसदार लकड़ी प्राप्त होती है और 1 12 से 15 साल के बाद सूखी लकड़ी प्राप्त होती है। दोनों ही लकड़ी की कीमत अलग अलग होती है। चंदन को जड़ सहित काटा जाता है, इसका संपूर्ण भाग महत्वपूर्ण होता है और अच्छा मुनाफा होता है। पैदावार कितनी होती है। मोटे तौर पर आप एक चंदन के पेड़ से 15 साल बाद 14 से 30 केजी सूखी लकड़ी प्राप्त करते हैं, या फिर 1 एकड़ को 2 बीघा बोलते हैं। तो 1 एकड़ की अगर बात करें तो 400 पेड़ लगते हैं, मान के चलते हैं 100 पेड़ किसी भी तरीके से सही से हो गए नहीं है, तो हमारे पास 300 पेड़ बचे।
एक पेड़ से मान के चलते हैं कि 20 केजी लकड़ी प्राप्त होती है औसत, तो लगभग 6000 केजी हमारी लकड़ी प्राप्त हो जाएगी ये 15 साल बाद, ठीक है। अब चंदन की खेती में लागत कितनी आती है दोस्तों, जब आप एक पेड़ लाते हैं तो ये अलग अलग, आप जब नर्सरी से लाते हैं तो चंदन के पेड़ की लाइफ या फिर जीवन के हिसाब से वो अलग अलग रेट होती है। तो 100 से 200 रुपए में आपको आसानी के साथ एक पेड़ मिल जाता है। एक एकड़ में आप कितने 400 लगा रहे हैं तो लगभग 80,000 रुपये इसमें खर्च आएंगे, और थोड़े मोड़े वैसे खर्च आएंगे तो 1 से 2 लाख रुपये खर्च होंगे आपके, ठीक है। चंदन से खेती से होने वाली कमाई, एक पेड़ से लगभग 20 किलो लकड़ी प्राप्त होती है जिसकी कीमत मार्केट में 6000 से 10000 रुपए होती है, ठीक है। अब एक पेड़ से लगभग अगर 20 केजी लकड़ी प्राप्त होती है और मार्केट की अगर प्राइस देखें तो 10000 हो रही है, तो इस तरीके से एक पेड़ से आप 2 लाख की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही आपके 300 पेड़ हैं तो 300 पेड़ से आप देख लीजिए दोस्तों कितना कर सकते हैं, 30 पेड़ से लगभग 6 करोड़ रुपए आप कमा सकते हैं। तो देखिए आप 80,000 से 90,000 रुपए आपने लगाए हैं और वो 10 से 15 साल बाद आपके 6 करोड़ हो गए हैं। और इसके बाद भी दोस्तों एक पेड़ से अगर तेल की बात करें तो 3 लीटर तेल निकाल सकते हैं आप, और 1 लीटर तेल की कीमत 2 से 3 लाख रुपए होती है। तो इस तरीके से तेल के और ज़्यादा भाव आपको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों चंदन की खेती कितनी ज़्यादा आप कमाई कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आपके जो खेत रहता है उसकी मेड़ पर भी लगा सकते हैं चंदन के पेड़, सफ़ेद चंदन के पेड़। ये सफ़ेद चंदन के पेड़ की कीमत बहुत ज़्यादा है आज मार्केट में, कहाँ पर बेचें दोस्तों। अगर आप चंदन खेती करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप कर सकते हैं। कई दवा वाली कंपनियां रहती हैं जिन्हें चंदन की ज़रूरत होती है, आप उन्हें बेच सकते हैं, या फिर आप तो ऑनलाइन बहुत अच्छा सोर्स हो गया है। आप चंदन के पेड़ की भी काफ़ी ज़्यादा महत्व है भारत में, पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है, तो आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, वहाँ पर बेच सकते हैं, आपके लोकल मार्केट में भी बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो हमने चंदन की खेती से जुड़ी पूरी जानकारी आपको बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताते हैं वीडियो हमने किस तरीके का बनाया है। साथ में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हम डेली बिजनेस की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।